नमस्कार, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं गरिमा। अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। अफगानिस्तान में क्रिकेट और बाकी खेलों का क्या होगा, उस पर भी सवाल बने हुए हैं। इसी बीच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्वीट किया है। राशिद ने अपनी फोटो के साथ अपने देश को आज़ादी की शुभकामनाएं दी हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही राशिद खान लगातार अपने देश में शांति की अपील कर रहे हैं। अपने देश की ऐसी हालत देख इंग्लैंड में खेल रहे राशिद लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं और दुनिया के बड़े नेताओं को अपने देश के हालात से रूबरू करवा रहे हैं। 19 अगस्त को अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस मौके पर अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज आइए हम अपने राष्ट्र को महत्व देने के लिए कुछ समय निकालें और बलिदानों को कभी ना भूलें। हम शांतिपूर्ण, विकसित और संयुक्त राष्ट्र के लिए आशा और प्रार्थना करते हैं। इंशाल्लाह स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इंग्लैंड में द 100 में खेल रहे राशिद खान, जब से अफगानिस्तान में हालात बिगड़े हैं तब से वर्ल्ड लीडर्स से अफगानिस्तान को अराजकता की स्थिति में नहीं छोड़ने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी ट्वीट कर कहा था कि मेरा देश अराजकता में है, कृपया हमारी मदद कीजिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, प्रिय विश्व नेताओं, मेरा देश अराजकता में है। बच्चों और महिलाओं सहित हजारों निर्दोष लोग हर रोज शहीद हो जाते हैं, घर और संपत्ति नष्ट हो रही है, हजारों परिवार विस्थापित हो रहे हैं, हमें अराजकता में मत छोड़ो। अफगानों को मारना और अफगानिस्तान को नष्ट करना बंद करो, हम शांति चाहते हैं। इसके बाद 15 अगस्त को जब तालिबान काबुल में घुस गया था तब भी राशिद ने ट्वीट कर देश के लिए शांति की अपील की थी। शांति, अफगानिस्तान के ऐसे हालात देखते हुए ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अफगानी खिलाड़ी अगले महीने से शुरू होने वाले आईपीएल में नजर आने वाले हैं या नहीं। इसका जवाब आईपीएल की फ्रेंचाइज सनराइजर्स हैदराबाद ने दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने ये पुष्टि की है कि राशिद खान और मोहम्मद नबी आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में टीम के लिए खेलने वाले हैं। एनआई से बात करते हुए एसआरएच के सीईओ शनमुगम ने कहा, हमने इस बारे में अभी बात नहीं की है कि मौजूदा हालात कैसे हैं, लेकिन दोनों खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध हैं और हम यूएई के लिए 31 अगस्त को रवाना होंगे। बताते चले कि आईपीएल 2021 के दूसरे एडिशन का आयोजन 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच यूएई में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।